शेख साहब, मेरा एक सवाल है कि हमारे घर के पास मस्जिद है करीब, और थोड़ी दूर पे एक मस्जिद और है, जी और वहाँ जो है थोड़ी दूर वाली मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे। और लोग कहते हैं कि यहाँ कहते हैं कि यहाँ के मस्जिद अपनी अनकरी की मस्जिद छोड़ के वहाँ नमाज पढ़ना सही नहीं है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और एक हदीस में आया है कि जितनी दूर करके जाओगे उतनी एक उतनी नेकी मिलेगी, एक गुनाह मिटा दिया जाएगा, ये दुरुस्त है या नहीं? ठीक है, वहां जाके हम नमाज पढ़ने चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं? ठीक है वाजिद भाई, सवाल वाजे है, अभी आप जवाब सुन लीजिए शेख मोहतरम से। शेख, सवाल भाई का ये है कि इनके घर के पास एक मस्जिद है, एक मस्जिद थोड़ी सी दूर है, तो ये घर के पास की मस्जिद छोड़ करके वहां जाते हैं नमाज पढ़ने, तो किसी ने इनसे कहा है कि ऐसा मुनासिब नहीं है कि आप अपने घर के पास की मस्जिद छोड़ करके वहां जाए, और इनका ये सवाल है कि अगर ऐसा है नहीं है मुनासिब तो दूर जाने से ज्यादा सवाब मिलता है ना शेख? नहीं, आपके घर के पास जो मस्जिद है उसमें आप नमाज पढ़िए। बाकायदा इस सिलसिले में उलमा के फतावा मौजूद हैं, अगर आप अपने पास वाली मस्जिद छोड़ करके इस नीयत से दूर जा रहे हैं कि मैं ज़्यादा चलूंगा तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, अगर यही काम आपके मोहल्ले के दूसरे लोग सारे लोग करने लगें तो उस मस्जिद का क्या होगा? तो आपके पास जो मस्जिद है उस मस्जिद को आबाद कीजिए और आपको इंशाल्लाह वो अजर मिलेगा। जी माजिद भाई जी, ये जैसे जुमा होता है इनके मस्जिद में जो हमारे घर के पास है, और खुतबे में ये जुमे में खुतबा होता है, यहाँ खुतबा जैसे नहीं सही होता हो पाता है, तो वहाँ दूर की मस्जिद में खुतबा सही होता है, तो वहाँ जाना सही रहेगा या नहीं? अब देखिए, ये एक अलग मकसद हुआ कि आप कोई आलिम दीन है, अच्छा खुतबा देता है, उसका खुतबा सुनने के लिए दूसरी मस्जिद में जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा मकसद हुआ, इसमें कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह, लेकिन नमाजें आप अपने घर वाली मस्जिद में, पास वाली मस्जिद में पढ़ें, यही ज्यादा बेहतर है। जुमा जुमा के वहां चले जाएं कभी, वहां चले जाइए, कभी अपने पास वाली मस्जिद में भी पढ़िए, दोनों खतीबों को सुनिए, वहां ज्यादा बेहतर होता है खुतबा, इसलिए हमने तो यहाँ पर भी बेहतर इमाम और खतीब लाइए ना।